दिस न्यूज इज को स्पॉन्सर्ड बाय आराध्या ज्वेलर्स। अब सोना खरीदे आसान किश्तों में, 100% प्योर ज्वेलरी। हमारा पता शारदा चौक, गणेश नगर, नंदन वन, नागपुर। नमस्कार, महाराष्ट्र टीवी 24 के खेल समाचार में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं खेल जगत की कुछ अहम खबरों पर। इंटर मिलान ने शीर्ष पर चल रहे नेपोली को इस सत्र की पहली हार का स्वाद चखाकर इटालियन फुटबॉल लीग सेरी ए में खिताब जीतने की अपनी उम्मीदों को जीवंत कर दिया। मौजूदा चैंपियन इंटर ने यह मैच 3-2 से जीता। नेपोली ने पियोत्रे जेलेंस्की को 17वें मिनट में किए गए गोल की बढ़त बनाई, लेकिन हाकेन चाल होनुलु 25 मिनट में पेनल्टी पर गोल करके इंटर को बराबरी दिला दी। तेज गेंदबाज दीपक चाहर और युवा बल्लेबाज ईशान किशन भारत ए टीम के 4 दिवसीय मैचों की श्रृंखला के लिए दक्षिण अफ्रीका जाएंगे। गुजरात के सलामी बल्लेबाज प्रियांक पांचाल की अगुवाई में इस दौर की शुरुआत 23 नवंबर से होगी। भारतीय टीम दौरे पर 3 मैचों की श्रृंखला खेलेगी, जिसके सभी मुकाबले ब्लोमफोंटेन में खेले जाएंगे। चाहर और ईशान इस समय न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 मैच के लिए कोलकाता में हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 श्रृंखला के खत्म होने के बाद वे 23 नवंबर को ए टीम के साथ दक्षिण अफ्रीका रवाना होंगे। अलेक्जेंडर जेवरेन ने अपने आक्रामक खेल का अच्छा नजारा पेश करके रविवार को यहां विश्व रैंकिंग के दूसरे नंबर के खिलाड़ी दानिल मेदवेदेव को सीधे सेटों में हराकर दूसरी बार एटीपी फाइनल्स टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता। सेमीफाइनल में शीर्ष रैंकिंग के नोवाक जोकोविच को 3 सेट में हराने के बाद जेवरेन ने और बेहतर खेल दिखाया और मेदवेदेव को 6-4, 6-4 से पराजित किया। भारत के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी सुकांत कदम ने युगांडा पैरा बैडमिंटन अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में रविवार को स्वर्ण पदक जीता, जबकि उनके हमवतन प्रमोद भगत के नाम 3 रजत पदक रहे। सुकांत ने 2 साल के बाद किसी अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है। विश्व रैंकिंग में 5वें स्थान पर काबिज इस भारतीय खिलाड़ी ने SL4 वर्ग के मैच में हमवतन नीलेश बालू गायकवाड़ को 38 मिनट तक चले मुकाबले में 21-16, 17-21, 21-10 से हराया। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 8 महीने से अधिक समय तक अंतरिम आधार पर भूमिका निभाने के बाद ऑस्ट्रेलिया के जोप एलआरडीस को रविवार को स्थायी मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया। एलआरडीस ने भारत के मनु साहनी की जगह ली, जिन्होंने जुलाई में अपने पद से इस्तीफा दिया था। और इसी के साथ खेल समाचार में वक्त हो चला है यही रुकने का। आप देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार।